नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर में संविधान जागरूकता मंच ने जन्मदिन मनाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पत्रकार एकता संघ के राष्ट्रीय सचिव व मानवाधिकार संरक्षण संस्था एवं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपी गुप्ता एड के जन्मदिन के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पौधा सीता कुंड घाट पर गोमती मित्र मंडल द्वारा संचालित सीता उपवन के परिसर में रोपित कर मनाया गया। इस अवसर पर पवन कुमार के द्वारा संविधान उद्देशिका का आदर्श वाचन कार्य कराया गया। डीपी गुप्ता एड पत्रकार ने हर्ष व्यक्त करते हुए पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वृक्ष धरती के वरदान हैं जो मानवता को जीवन प्रदान करते हैं। बरगद के पेड़ की छाल इम्यूनिटी बढ़ाने का एक प्रमाणित स्रोत है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव डीपी गुप्ता एड पत्रकार ने संविधान जागरूकता मंच के सभी पदाधिकारियों के पर्यावरण हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत ही प्रशंसनीय एवं पुनीत कार्य है जिसको करने का बीड़ा आपकी टीम ने उठाया है। इसमें सामुदायिक सहभागिता की विशेष जरूरत है जो हम सब जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पौधों की निगरानी व पालन पोषण एक नवजात शिशु की तरह करना होगा। वृक्षों की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर संविधान जागरूकता मंच की टीम ने कहा कि पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली आ जाएगी। पर्यावरण का क्षरण बड़ा संकट है। इस चुनौती का सामना सामुदायिक सहभागिता के जरिए ही संभव है। लिहाजा हम सबको अपने या अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन पर एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए जिससे हम, हमारे लोग और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। इस अवसर पर पत्रकार एकता संघ, मानव अधिकार संरक्षण संस्था व भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में डॉक्टर पवन पांडे, अरविंद चौरसिया, अश्विनी वर्मा, अशोक वर्मा, राजन गुप्ता, डीडी निषाद एडवोकेट के साथ संविधान जागरूकता मंच के जगध्यान यादव, राजदेव यादव, पत्रकार पवन कुमार, दिनेश चंद्रा, प्रदीप यादव, राजेश त्रिपाठी, रामयज्ञ मौर्य, अनिल कुमार तिवारी, जगन्नाथ कोरी, बब्बन वर्मा व मृदुल तिवारी मौजूद रहे। राजदेव यादव की रिपोर्ट। सर, जैसा कि आपका जन्मदिन आज एक अलग तरीके से मनाया गया और जिस टीम ने मनाया उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमको बड़ा हर्ष है कि आज मेरे जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया कि संविधान जागरूकता मंच के द्वारा हमारा जन्मदिन वृक्षारोपण कर और संविधान की शपथ लेके मनाया गया। इसके लिए हमें बहुत ही हार्दिक खुशी है और हम इसके लिए श्री जगधान यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और साथ में सभी पूरी टीम का जो बकारी हो जागरूकता फैली इसके लिए भी वो संविधान के शपथ को दिलाते हैं, ये भी बहुत ही एक काम है। तो राष्ट्र का भी निर्माण हो रहा है इससे और इससे जो है हमारे पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है और सामाजिक एकता भी बढ़ रही है। इस इनके टीम में तमाम पिछड़े वर्ग से लेके अगले वर्ग तक सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक सामाजिक एकता का जो इन्होंने ताना बाना बुना है ये बहुत ही बेहतरीन है और हम इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।